भी आप गजरे और फूल लेकर आए हैं। प्रीत, अपनी शादी की पहली करवा चौथ से लेकर आज तक मैं हमेशा तुम्हारे बालों में लगाने के लिए गजरा लाता हूँ, इसी उम्मीद से कि एक ना एक दिन तो तुम अपने बाल लंबे करोगी। आज का दिन आप कभी नहीं भूलते, हमेशा मेरे लिए एक तोहफा लेके आते हैं। तुम भी तो नहीं भूलती, बिजनेस में इतना बिजी रहने के बावजूद रिश्तों और बिजनेस को अलग अलग रखती हो। पार्टी की चैंपियन और करवा चौथ के गंगा जल को कभी मिक्स नहीं होने देती। तुम्हारी इन्हीं खूबियों की वजह से तो ये 70 साल का होने के बाद भी हटाकटा है। लेकिन मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। कौन सी? बालों में फूल लगाने की। और कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं तेरे लिए साड़ी और हीरों का हार भी लाया हूँ। खुद जाकर शॉपिंग की मैंने। हर साल वही साड़ी, आप कब बदलेंगे? जब आप बाल बदलेंगे। परमिंदर, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बताती हूँ बताती हूँ, पहले बताओ कुछ खाओगी? चटपटा है, बहुत चटपटा है। क्या है ना, आज तक मैंने तुमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की ना, तो आज सोचा चलो दोनों बहनें मिलके थोड़े से भाईचारा में एक ही थाली में खा ले, है ना? इसे आज ही का दिन मिला है भाईचारा दिखाने के लिए। मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा तो करवा चौथ का उपवास है ना? हाँ, तुम तो कुछ नहीं खा पाओगी, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना बेचारी। बस बस, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम पहले ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो, और जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। अरे देखो, मैं जो बोलने आई थी वही भूल गई। मैं मार्केट गई थी ना, वहाँ पे अफवाह थी कि आज चांद शायद 12 बजे निकलेगा, मतलब 6 घंटे और। क्या? हाँ, देखो ना, अब 6 घंटे बचे हैं और अब चांद निकलेगा शायद 1 बजे भी, पता नहीं कब निकलेगा। तुम ज्यादा हिलना डुलना मत, था क्या है ना, खाया नहीं ना तो शायद गिर पड़ोगी है? मैं जरा बाकी लोगों को बता के आती हूँ। अभी परमिंदर, मैं अभी आती हूँ। हाँ, छह सात घंटे कुछ नहीं खाया तो मैं सचमुच में लुढ़क जाऊंगी। कांता प्लेट भी यहीं रख गई है, तो क्या करूं, कोई है भी नहीं, खा ही लेती हूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। वाह कांता वाह, क्या प्लान था, आज तो इस मोटी की बैंड बजने वाली है। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बहू। वो नहीं तो क्या, मुझे तो डर लगता है इसको किसी की नजर ना लगे। एक सेकंड, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तुम्हारे सर पर चोट भी लगी है। निमू, ये तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ये कंगन नहीं ले सकती। निमू, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे, कहा था कि कुणाल की बहू को पहनाना, ले लो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल गया, इन सब चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हें कुछ दिया भी तो नहीं है मैंने। नहीं नहीं, बस मैंने कहा ना आपसे, इसे शगुन समझ कर ले लो। इतने प्यार से दे रही है, ले लो ना। एक कुणाल, ये बात कह के ना तूने मेरे जी को एकदम खुश कर दिया। आज पहली बार तूने अपनी माँ की फीलिंग्स को समझा, पता है? और भाभी, ये सब इस नियमों के कारण हुआ है।
कुणाल देखना कितनी सौरस लग रही है निम्मो, अब बेस्ट थोड़ा बार बेस्ट उसके पास और तारीफ कर उसकी। हाँ चल हम जाते हैं, मेहमान आते होंगे ना, चल चल। हम आते हैं बेस। तुमने अपनी मम्मी से कुछ बात क्यों नहीं की? मुझे एक जरूरी काम याद है। वाओ निमो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें पता है अगर अगर मैं तुम्हें नैना से पहले मिला होता ना Just kidding, निमो, लेकिन वाकई में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। एक बात और कहूं, कुणाल बहुत लकी आदमी है। ये सब छोड़ो, तुम यहां बस ऐसे कुणाल को मिलने आ गया, नैना को भी मिलने गया था, लेकिन आजकल वो अपने वर्कआउट्स अपने शो की तैयारी में बहुत बिजी रहने लगी। और नैना ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? अब वो निमो तुम तो जानती हो नैना को ना, वो इन सब बातों में यकीन नहीं करती और तुम्हारी इतना पतिव्रता भी नहीं है ना। एनीवे मैं कुणाल से मिल के आता हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। सच है कि दिल तो दुखा है। चांद इतनी जल्दी निकला है? चलो चलो। मुझे तो कांता ने कहा था कि चांद 1 या 2 बजे निकलेगा, इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा था। ए सुनो, क्या है? तुमने मुझसे कहा था ना कि चांद 1-2 बजे निकलने वाला है, झूठ कहा था ना मुझसे? अरे सच ही तो कहा था मैंने। क्या है ना, मार्केट में अफवाह थी। अब अफवाह थी मतलब सच्ची कहा होगा ना मैंने। अकड़ तो ऐसे दिखाती है जैसे इसके व्रत रखने से मेरी उम्र बढ़ने वाली, पागल। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, देख रही थी सब लोग कितना खुश है और मैं बिना शादी किए ही। अरे डोंट वरी, बस कुछ देर और इंतजार करो, तुम यहां से निकल ही जाओगी। हे यू रेडी? लेट्स डू इट।
परविंदर जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है। देखो ना उसको कितनी एसिडिटी है, गोली भी नहीं ली है ना। हाँ मैंने कितना कहा इसे उपास तोड़ दो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। कह रही थी मैंने मेरे अनिकेत के लिए उपास रखा है ना परविंदर। हाँ वाह बहू वाह। वैसे अनिकेत जी, अब परमिंदर जी को सिर्फ एक निवाला नहीं पूरा खाना खिलाना चाहिए आपको, बल्कि मैं तो कहती हूँ घर वाले जो भी है ना सबने उन्हें एक 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 निवाला देना चाहिए। लो मैं खिलाऊं, ये भूख हड़ताल हम सबको मिलके तोड़नी चाहिए। पहला निवाला मेरा। हाँ परमिंदर, मरवा दिया इस कांता ने, मेरे पेट में तो जरा भी जगह नहीं है। लो खाओ खाओ लो ना, और एक खाओ। अरे आ करो आ। हाँ खाओ, चले चले सब लोग आ जाइए। दादाजी दादी जी, हाँ हाँ सब लोग आओ, लाइन लगाओ। अरे अरे ये तो पूरी खत्म हो गई। शहद पाओ, मतलब हनी बंस, मैं और लेके आऊँ खाना। नहीं, नहीं। अरे कितना सा तो खाया, और ले आओ थोड़ा थोड़ा सा। क्या अभी तक चेक नहीं मिला आप लोगों को? ठीक है मैं कुणाल से बात करता हूँ। कुणाल तुमने आश्रम वाली जमीन का चेक अभी तक नहीं पहुँचाया उन लोगों को? दादाजी मैं लेकर जाने वाला था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन दादाजी वो निमो कह रही थी कि वो घर पर बैठ के बोर होती है तो उसे कुछ काम करना है, उसने कहा कि वही चेक लेकर जाएगी और उनसे बात करेगी। तुमने पूछा निमो को, उमली से उन लोगों को? वो दादाजी निमो उनको चेक देने के बजाय इंक्वायरी करने लगे। अब तो वो कह रही है कि वो जगह ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है, वहां तो आश्रम बनेगा ही नहीं। लेकिन आश्रम का काम तो थोड़े दिनों में शुरू करना है, ऐसे फैसले बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। वही तो मैं कह रहा हूँ दादाजी, ऐसे फैसले वो कैसे ले सकती है? मैंने उसे कहा कि अगर दादाजी ने यह फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। बताया वो क्या कह रही थी, कि वो पढ़ी लिखी है, उसे भी बिजनेस का सेंस है, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है। अब मैं क्या कहूँ? बुलाओ ने मुको, मैं उसे बात करना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। देखो बहुत अच्छा मौका है, इसे घबराना मत, डट के लड़ना। आज तो कुछ ऐसा बोल डालना जिससे हमारी शादी टूट जाए। प्रॉमिस, कम ऑन, सारे तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। तुमने वो प्रॉपर्टी वालों को आश्रम की जमीन खरीदने वाला चेक क्यों नहीं दिया? दादाजी वो लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। ठीक नहीं लगे? इस घर में सारे डिसीजंस आज तक तुम्हारे दादाजी और मेरे सिवाय किसी और ने नहीं लिए, तो तुम कौन होती हो ये डिसीजन लेने वाली? इस घर की बहू हूँ मैं, तो उस नाते इस घर से जुड़े हर मामले में दखल देना मेरा हक बनता है। अच्छा तो अब तुम अपना हक भी जमाओगी? वो उन्हें मैंने चेक इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो डील मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। अगर तुमने ये डिसीजन लिया था तो कम से कम तुम्हें घर वालों में से किसी की तो राय लेनी चाहिए थी। मेरा जो सपना था अनाथ आश्रम बनाने का। डैडी जी आप किससे बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं कितनी बदतमीजी से बात कर रही है? मुझे जो ठीक लगा ना मैंने वही किया। वो डील तो बिल्कुल बकवास थी और लोकेशन घटिया। मेरा मतलब है बकवास डील में पैसे ना लगाना ही एक अच्छे बिजनेसमैन, मेरा मतलब एक अच्छे बिजनेस वुमन की पहचान होती है। बिजनेस वुमन और तुम? तुम्हें लगता है जो डिसीजन इन्होंने लिया जमीन खरीदने का वो गलत था और तुमने जो किया है वो सही है? ऑफ कोर्स, मैं नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है क्या सही और क्या गलत। सॉरी दादाजी, लगता है अब इस घर से जाने के लिए
मुझे आपकी इंसल्ट करनी ही पड़ेगी। वो एक्चुअली दादाजी को बिजनेस छोड़े हुए एक अरसा हो चुका है और आप अभी भी ये समझती है कि दादाजी जो फैसले ले वो सही और फायदेमंद साबित हो? नो, अभी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप लोग बूढ़े हो चुके हैं और बिजनेस छोड़ के संन्यास लेना चाहिए। हमें पता है आपने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, हमें आपकी उम्र का अच्छी तरह से तकाजा है। अगर आपको बिजनेस में इतना ही एक्सपीरियंस है तो आप खुद ही जाइए ना दादी जी। वैसे दादी जी, आप आश्रम में जाएंगे ना तो इस ब्यूटी पार्लर को भी साथ में लेके जाइए। नहीं, वहाँ भजन करेंगे ना तो चिमटा लेके बैठ जाएगी। शट अप। निमक, तुम अपने आप को समझती क्या? चलो चलो निकलो इस घर से, चलो। ये तुम क्या कर रहे हो कुनाल? नहीं दादी, प्लीज अब कुछ मत कहिएगा, कुछ भी। हेलो, तुम लोग चलो। चलो क्या रुक जा कुनाल, मुझे अभी अभी अपने वकील का फोन आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन हम खरीदे थे वो फरार निकले। दरअसल वो जमीन सरकार की थी, हमें तो निमो ने बचा लिया। अगर हम ये जमीन खरीद लेते तो शायद पुलिस वाले हमें भी गलत समझे। निमो पुत्र, हमें माफ कर दे। भाई तू हाथ छोड़ उसका, कहीं नहीं जाएगी हमारे घर की लक्ष्मी। निमो बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान है। निमो बेटा, तुमने सही कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें घर के मामलों में दखल देने का पूरा हक है। बेटा मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस में भी तुम कुणाल की दादी का हाथ बटाओ, उसकी जिम्मेदारियां कम करो ताकि हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी संन्यास ले सकें और मोह माया छोड़कर तीर्थ यात्राओं पर जाएं। क्यों प्लीज? पता था प्लान कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम अपनी टांग जरूर अड़ाओगी, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक इस शादी को टूटने से रोकते हो।